वैसे तो राजधानी दिल्ली में सरकार बनाम एलजी की लड़ाई काफी पुरानी है, लेकिन अब ये लड़ाई ऐसे मोड़ पर आ गई है जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसके बाद एक बार फिर से दिल्ली और केंद्र सरकार की जंग अदालत की चौखट पर पहुंच सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए नया अध्यादेश पारित किया है। दिल्ली में अब ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस के काम के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी गठित कर दी गई है। अब दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए फैसला प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा। इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह सचिव शामिल हैं। वे अब दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग पर निर्णय लेंगे। साथ ही अध्यादेश में कहा गया है कि किसी भी मतभेद की स्थिति में आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। सीजीआई के नेतृत्व में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था, एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते। एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा, चुनी हुई सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। वहीं सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लाई, जिसे लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहली अंदेशा जताया था। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के बाद आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को अधिकार मिलने से डर गई और अध्यादेश लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट कर दिया है कि एलजी साहब को चुनी हुई सरकार के निर्णय मानने पड़ेंगे, तो क्यों साइन नहीं कर रहे हमारी फाइलों पर? 11 तारीख को एक ट्रांसफर हुआ था, आज तक उसकी फाइल नहीं साइन हुई है। एक एक ट्रांसफर के लिए अगर 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन लगेंगे, तो हजारों एम्प्लॉयज वाली दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? आप बताइए, दिल्ली के सरकार में तो 50,000 टीचर हैं, सैकड़ों इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आईएएस अफसर हैं, दानिक अफसर हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं। तो अगर एक अफसर के ट्रांसफर में वो इतने दिन लगाएंगे, तो सरकार तो ठप कर देंगे इस तरह से। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाने का भाजपा ने स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए रात के 3 बजे ताले तोड़ेंगे, अफसर को धमकाएंगे, डराएंगे, ये व्यवहार उनको शोभा देता है क्या? इस बात की शपथ ली थी अरविंद केजरीवाल ने? गुंडागर्दी की शपथ ली थी क्या? अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए शराब घोटाले की जो जाँच कर रहे हैं, जो फीडबैक यूनिट की जाँच कर रहे हैं, जो इनके शीश महल की जाँच कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने करोड़ों रुपये खर्च कर दिया, उन अधिकारियों को डराएंगे क्या, धमकाएंगे क्या? ऐसी चलेगी सरकार? चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मार देंगे घर बुला के? किसी भी अफसर को थप्पड़ मारेंगे आप? सरकारें ऐसे नहीं चलती। अरे मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन सबको करना पड़ता है। क्या होता है अध्यादेश? जब सरकार किसी विशेष परिस्थिति से निपटने के लिए कानून बनाना चाहती है, तो पहले अध्यादेश लाती है। एक तरह का आधिकारिक आदेश होता है। इसे तब लाया जाता है जब सरकार आपात स्थिति में किसी कानून को पास कराने की योजना बनाती है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत सरकार के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है तब सदन में कोई सत्र न चल रहा हो। राष्ट्रपति का विधायी अधिकार होता है। एक अध्यादेश की अवधि 6 हफ्ते की होती है, जिसे केंद्र सरकार इसे पास कराने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है। ऐसे में आप ये भी जान लीजिए कि मोदी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, इसमें किसको कितना पावर दिया गया है। अध्यादेश में कहा गया है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक NCCSP यानी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी। इस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह विभाग के सचिव को शामिल किया जाएगा। कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर होगा। अथॉरिटी की मीटिंग में अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं, तो भी बैठक मान्य होगी और अथॉरिटी की सभी सिफारिशें उपराज्यपाल के पास भेजी जाएंगी और अंतिम फैसला एलजी का होगा। उपराज्यपाल पर निर्भर होगा कि वो सिफारिशों को मानते हैं या नहीं। दिल्ली की विधानसभा के पास केंद्र और राज्य के अधिकारियों को लेकर उस मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। बहरहाल ऐसे में एक बार फिर दिल्ली बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील रहे अभिषेक मनु संघवी ने ट्वीट कर केंद्र के अध्यादेश की आलोचना की। इसको सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी रिट्वीट किया। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।